Hello everyone, am I audible? All of you please tell me, am I audible or not? So my dear friends, जैसा कि हम लोग जानते हैं, result announce हो चुका है, बहुत सारे student खुश हैं, जिनको भी अच्छे NITs, IITs या IIITs मिल रहे हैं, बहुत सारे student हताश भी हैं, जो expected perform नहीं कर पाएं, बहुत ऐसे students हैं जो third year में हैं, जिनको लगता है कि मेरे पास दो मौके हैं, third year में भी दे सकते हैं और फाइनल ईयर में। तो जो भी बच्चे थर्ड ईयर में हैं, जिन्होंने कुछ भी मार्क्स ऑप्ट किया है, लाइक 32 हो, 35 हो, 40 हो, 45 हो, व्हाटएवर इट इज, उनको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जबकि मेरे पास फाइनल ईयर में दूसरा अटेम्प्ट भी होगा, तो मैंने इतना अच्छा एफर्ट डाला है, चाहे वो 25 मार्क्स ही क्यों ना हो, तो मैं इसका ट्वाइस तो कर ही सकता हूं, डबल एक्स तो कर ही सकता हूं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट। तो खुशी है उन सारे स्टूडेंट्स के अंदर, अच्छे से एक फीलिंग है, हैप्पीनेस है, वो उनकी एक सोच बनी हुई है कि अगर मैं अभी इतने कम टाइम में गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद इतने कम एफर्ट में मैं अगर ये ऑप्ट कर पा रहा हूं, तो शायद नेक्स्ट ईयर इससे बेस्ट हम लोग दे पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज्वाइन करिए, शेयर करिए, लाइक करिए दबा करके, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपके लाइफ को चेंज कर दे एक ट्रिगर की तरह। सो ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल ऑल ऑफ यू, माय डियर फ्रेंड्स, ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, दबा करके लाइक करिए, शेयर करिए अपने सारे दोस्तों से, और इस सेशन को जरूर से जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि शायद आज के बाद आपको रियलिटी में समझ में आए कि लाइफ को हैंडल कैसे करना है, लाइफ को टैकल कैसे करना है। क्योंकि एक बार का जो देखिए, सक्सेस का कोई डेट एंड टाइम नहीं होता है, नोट इट डाउन प्लीज, सक्सेस का लाइफ में कभी भी कोई डेट और टाइम नहीं होता है, सक्सेस कभी बोल करके नहीं आता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि मेरा 1000 रैंक आ गया है, 500 आ गया है, तो वो लाइफ में सक्सेस है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई मेरा 3000 रैंक है, 4000 है, 5000 है, तो शायद मैं अनसक्सेसफुल हूं। अगेन, दिस इज नॉट वॉट यू आर थिंकिंग। सो माई डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि आज का सेशन काफी मजेदार होने वाला है, आप सभी लोग इंजॉय करेंगे, पूरे दिल से इंजॉय करेंगे, इस बात का प्रॉमिस है, गारंटी है। सो ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। गुड आफ्टरनून दीपिका। आपके अंदर आज के सेशन में आपके अंदर किसी भी तरह का क्वेरी हो रिलेटेड विथ योर गेट स्कोर, वॉट एवर, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक मैंने लगभग 200 से 250 स्टूडेंट्स के क्वेरी का रिप्लाई किया है। जो भी स्टूडेंट का जो भी स्कोर रहा है, रैंक रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट पॉसिबल NITs, IITs क्या हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस सस्पेंस में भी थे कि सर मुझे IIT जाना है, जबकि उनका रैंक पूरे ओल्ड 7 IITs को डिजर्व नहीं करते, तो उनको फिर भी लगता है कि सर नए IIT में चले जाएं क्या। माय डियर फ्रेंड्स, अल्टीमेटली हमारा लाइफ का मोटिव होता है, चाहे आप IITs जाओ, NITs जाओ, एक अच्छा प्लेसमेंट, 12 से 15 लाख का प्लेसमेंट हमारा एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। तो अकॉर्डिंगली मैं उन सारे स्टूडेंट्स को वो भी कन्वे कर रहा हूं कि अगर आप IIT पटना में एडमिशन लेते हैं, द फार बेटर इज IIIT बैंगलोर, क्योंकि IIT पटना में अगर आप चले जाते हो या IIT धनबाद में चले जाते हो, इसके कंपेरेटिवली फार बेटर प्लेसमेंट है या रिस्पॉन्स है। MNNIT का, IIIT बैंगलोर का, इन सब जगहों पर जाओगे तो आपका प्लेसमेंट गारंटीड होगा। तो ये सारे मैसेजेस मैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, जो हमारा अपना गेट एकेडमी CSIT ग्रुप है, वहां पर बच्चों की क्वेरी आते रहती है, मैं इसको टाइम टू टाइम रिप्लाई कर पाता हूं, और थोड़ा सा अगर किसी के लिए डिले हो जाता है तो सॉरी भाई लोग, क्योंकि मैं पॉजिटिवली सारे बच्चों को रिप्लाई कर रहा हूं, कुछ बच्चे कॉल भी करते हैं तो उनका मैं प्रॉपरली रिस्पॉन्स देता हूं। सो अभी आप लोग सभी लोग ज्वाइन करो, मजा आने वाला है। ज्वाइन करिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, विजया भारती, विजया वेरी गुड इवनिंग, मृणाल, पायल, मुकुल, ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग, पंकज सर, ओके ओके ओके, पंकज सर, आई थिंक ये अपने पंकज सर है शायद, होपफुली ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा लाइफ में सोचते हैं कि कैसे मेहनत करना चाहिए। देखिए आज का जो सेशन है, आपने टैगलाइन देखा होगा, लेट्स फाइंड द राइट पाथ। ये सिर्फ
अभी की बात नहीं है, ये हर जगह आपको सही पाथ का डिसीजन लेना आना चाहिए, चाहे वो लाइफ में स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ में किसको ज्वाइन करना चाहिए इससे रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ में कहां एडमिशन लेना चाहिए इससे रिलेटेड हो, या यही नहीं, अगले टाइम में जब आप जाओगे एनआईटीज आईआईटीज में तो किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के अंदर जल्दबाजी होता है कि चलो आईबीएम आया हुआ है कॉलेज प्लेसमेंट में या ओरेकल आया हुआ है तो इसमें मैं घुस जाऊं, वो ये नहीं सोचते कि इसके बाद गूगल भी आएगा, इसके बाद अमेजॉन भी आएगा, इसके बाद ओयो भी आएगा। तो यू हैव अ वेरियस ऑप्शंस इन योर लाइफ, बट व्हाट विल बी द बेस्ट दैट यू हैव टू डिसाइड। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से राइट ऑप्शंस कौन सा है, राइट पाथ कौन सा है, ये डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है अगर आप लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, चाहे वो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, व्हाटएवर इट इज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दोस्तों मैं एक बहुत ही मजेदार चीज आज आपको बताने वाला हूं। लोगों को लगता है कि सर कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज देते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, न जाने कितने स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अक्टूबर से सितंबर से लगभग हम लोगों ने अपना सीएसआईटी स्टार्ट किया गेट एकेडमी में। गेट एकेडमी में सीएसआईटी लगभग सितंबर से स्टार्ट हुआ, जहां पर हमारे पास आपको क्रैश कोर्स देने के अलावा कुछ नहीं था। तो मैंने अपने लेवल पे हमारी पूरी टीम ने पूरे शिद्दत से मेहनत की, एफर्ट डाली, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अब वो जागे हैं लाइफ में कुछ करने के लिए, वो लाइफ में बेहतर कर पाए। और जितना ऑल पॉसिबल एफर्ट्स हो सकता था हमारी पूरे टीम ने, पंकज सर हो, रावतिया सर हो, यदुनाथ सर हो, एवरीवन हैज गिवन हिज फुल एफर्ट्स टू गिव यू द बेस्ट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा ही मेहनत करते हैं, अलग अलग बुक को रेफर करते हैं, टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में थोड़ा फेल्योर हो जाते हैं। आप इसको पूरा का पूरा फेल्योर नहीं बोल सकते हैं, कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो वो कमी क्या है? आप लोगों ने शिव खेरा का बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है यू कैन विन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और उस बुक के फ्रंट पेज के फ्रंट लाइन में इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन लाइन लिखी हुई है। इस लाइन के पूरे मीनिंग का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। उस लाइन में लिखा हुआ है कि द विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, द विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन माय डियर फ्रेंड्स? इसका बेसिकली मतलब होता है जो लाइफ में जीतता है, कुछ हासिल करता है, वो कुछ अलग नहीं करता, वो उसी काम को अलग तरीके से करता है, बेहतर तरीके से करता है। वो तरीका जिस दिन आपको समझ में आ गया, आपको एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको एक अच्छा और सक्सेसफुल इंसान होने से कोई नहीं रोक सकता। आज इसी प्लेटफॉर्म पे 500,000 स्टूडेंट एक साथ कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं। क्या मैं अलग से कान में जाकर के हम लोग किसी को अलग ज्ञान देते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग कभी ऐसा होता है कि किसी एक स्टूडेंट पे पर्सनली बहुत ज्यादा असिस्ट कर रहे हैं, बाकियों को इग्नोर कर रहे हैं, ताकि उस स्टूडेंट का अंडर 100 रैंक आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सभी स्टूडेंट्स को इक्वल नॉलेज दिया जाता है, इक्वल सभी स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट लगाए जाते हैं। जो स्टूडेंट विक्स है, जिस तरह का भी क्वेरी हो, हमारा हमेशा कोशिश यही रहती है कि स्टूडेंट का जैसा भी क्वेरी हो, चाहे वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए जीरो लेवल का क्वेरी हो, हमारा हमेशा ये प्रयास आता है, हमारी पूरी टीम की प्रयास होती है कि हम उन स्टूडेंट्स के हर एक डाउट को क्लियर करें, ताकि बच्चा कभी भी अपने चलते हुए पाथ में कभी घबराए ना। अगर आपके हर एक पॉइंट के डाउट क्लियर होते जाएंगे, कभी आप घबराओगे नहीं। तो हमारी एक ही कोशिश होती है कि हर एक स्टूडेंट्स के हर एक तरह के क्वेरी को सॉल्व करें। तो हम तो एजुकेशन सबको एक ही टाइप के देते हैं ना, फिर ये रैंक में वेरिएशन क्यों, ये रैंक में वेरिएशन क्यों माय डियर फ्रेंड्स? इसका मैं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दूंगा। एक फैक्ट्री होता है, ठीक है ना, आप मैकेनिकल के किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, बहुत बड़े बड़े इंजन होते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े इंजन होते हैं उस फैक्ट्री में, पावर प्लांट के एक फैक्ट्री थे, बहुत बड़े बड़े इंजन लगे हुए थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक इंजन अचानक से बंद हो गई, इंजन अचानक से बंद हो गई तो काम बंद हो गया, यस और नो? काम बंद हो गया, अगर इंजन बंद हो गया तो काम बंद हो गया।
तो इंजन अचानक से बंद हो गया, मींस खराब हो गया। तो जो ऑनर थे उस कंपनी के, जो ऑनर थे, उस ऑनर ने बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाया और बड़े बड़े इंजीनियर आए, 10 इंजीनियर आए 12 आए और सभी लोग पूरा एफर्ट डाल दिए, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगे रहे, वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाया, वो मशीन स्टार्ट ही नहीं हो पाया, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चहल उसमें आ रही थी लेकिन पूरी तरह से वो टर्बाइन जो मशीन थी वो चल ही नहीं पा रही थी। तो उसमें उस समय क्या हुआ कि एक उसी के लाइक उसमें काम करता हुआ एक मजदूर टाइप का लोग थे, वो आए आकर के बोले कि क्या हुआ साहब, तो बोला कि अरे कुछ नहीं हुआ, ये मशीन चल नहीं रही है, सुबह से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सभी लोग लगे पड़े हुए, सब लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन मशीन चल नहीं पा रहा है, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए फिर भी मशीन चल नहीं पा रहा है। तो उसने बोला साहब एक बार मैं कोशिश कर सकता हूं क्या, तो बोला कि अच्छा चलो जब इतने लोग से नहीं हो पा रहा है, टाइम बचा हुआ है, तो तू भी एक बार कुछ अपना तरकीब लगा ले, क्या तुम्हारे पास तरकीब है, देखूं तो। तो वो बंदा गया और बंदा ने इंस्ट्रक्शन दिया, जब मैं बोलूं तभी स्विच ऑन करना, जब मैं बोलूं तभी स्विच ऑन करना। और जैसे वो बोला और उसी समय उसने अपने हथौड़े से उस मशीन को धक्का दिया और वो मशीन चलना शुरू हो गया। सभी लोग अबाक रह गए, शॉक्ड हो गए सभी लोग कि भाई हम लोग सुबह से लगे पड़े हैं, इतना दिमाग लगा लिया, इतना सब चीज कर लिया, मशीन चला नहीं, और ये एक लेबर क्लास का आदमी आया और आकर के मशीन चला दिया, ऐसा कैसे। और वो लेबर जब नीचे उतर के आया तो उसके मालिक से बोला कि साहब मेरा पैसा दे दीजिए। तो उसके मालिक ने बड़ा खुश होकर करके अपने जेब से 500 रुपया निकाला और उसको बोला कि ले भाई। तो उस लेबर ने जानते हो क्या कहा कि साहब ये 500 रुपया क्यों, 5000 रुपया मुझे चाहिए। तो बोला कि क्यों भाई, क्यों 5000 रुपया चाहिए, तूने किया क्या है, तू आया हथौड़ा मारा मशीन चल गया, किया क्या है, तुम्हारा तो 500 से ज्यादा का तो काम बनता नहीं है। तो उस बंदे ने जानते हो बहुत बहुत शानदार जवाब दिया, उस बंदे ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि साहब मैं ये पैसा जो आप दे रहे हो 5000 जो मैं मांग रहा हूं, ये पैसा मैं हथौड़े चलाने का नहीं लिया हूं, ये पैसा हथौड़ा कब और कहां चलाना है इस चीज का मैं मांग रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स नोटिस करिएगा इस बात को, ये हथौड़ा कब और कहां चलाना है इस बात का मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं। क्योंकि आपने बहुत सारे इंजीनियर को लगाए थे जिनको आप लाखों में सैलरी देते हैं, वो तो ठीक नहीं कर पाए ना, लेकिन इस हथौड़े के कब और कहां चलाना है उस चीज पे मैंने दिमाग लगाया और उस चीज का मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मेहनत सब करते हैं लेकिन कब किस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देकर के आते हैं, बाहर आते हैं और बोलते हैं कि सर ये 5 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया सर, बहुत डिप्रेशन हो गया था, एक दिन पहले रात भर सोए नहीं सर, ऐसा हो गया सर, वैसा हो गया सर, ये हो गया वो हो गया, इस तरह के रीजन देते हैं। जबकि नो डाउट वो सारे स्टूडेंट डिजर्विंग होते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स डिजर्विंग होते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन स्टिल वो नहीं कर पाते, कहां कमी रह जाती है। जरूर से जरूर उसको यह पता नहीं होता या ये वो पता करना ही नहीं चाहता है कि कब और कैसे किस तरीके से हमें लाइफ में मेहनत करना चाहिए, किस तरीके से। क्योंकि देखिए मेहनत के साथ साथ आपको हर एक चीजों में अपना प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो एग्जाम के प्रेशर्स को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर वो 3 घंटा आपके जीवन को बदलता भी है और जीवन को धक्का मार के नीचे गिराता भी है। तो उस 3 घंटे को कैसे हैंडल करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं, इंटरेक्ट करता हूं, वो स्टूडेंट्स का ये भी आंसर आता है कि सर थोड़ा डर लगने लगता है कि मेरे पास यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा प्लेसमेंट नहीं हो सकता, मेरा बीटेक में मार्क्स कम है, मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो सकता, मेरे पास यही ऑप्शंस है और पता नहीं डर से या क्या चीज से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। माय डियर फ्रेंड्स आपने, आप सभी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखा होगा, उस मूवी में एक बहुत शानदार जवाब है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि उसमें आपने बोमन ईरानी जो है उसका एक डायलॉग सुना होगा कि जब आप मरीज से, किससे, जब आप पेशेंट से प्यार करोगे तो उसका आप इलाज नहीं कर पाओगे। एक फादर दुनिया में हर लोगों का ऑपरेशन कर सकता है लेकिन अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकता। द रीजन बिहाइंड इज कि उसके हाथ कांपने लगेंगे ऑपरेशन थिएटर में। क्यों?
क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत बेहद प्यार करता है, और जहां पर प्यार करने लगता है ना वहां पर वो उस चीज को कर नहीं पाता है। एग्जाम आपका एक टारगेट है, आपका एक गोल है, आप यू लव योर कॉन्सेप्ट, यू लव व्हाट एवर यू आर लर्निंग, बट डू नॉट लव द एग्जाम। आपको डर इसीलिए लगता है क्योंकि आपने एक दिमाग में माइंडसेट कर लिया है कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो क्या, अगर गेट में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या, क्या हमारी गाड़ी वहीं रुक जाती है? बोलो भाई, अगर हम लोग गेट में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, आई कैन गिव यू द 100 ऑफ एग्जाम्पल जहां पर स्टूडेंट शायद गेट में पहले अटेम्प्ट पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दूसरे अटेम्प्ट पे उसने फोड़ा। कोई हो सकता है कि दूसरे अटेम्प्ट में परफॉर्म अच्छा नहीं किया और तीसरे अटेम्प्ट में फोड़ा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो गेट में अच्छा नहीं कर पाए, TCS या विप्रो या किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लिए, और ज्वाइन करने के बाद आज के डेट में शायद आप गेट क्वालिफाई करके जाओगे ना, वो आपके ट्रिपल पैकेज में 50 लाख 60 लाख 70 लाख के पैकेज में। तो मेरे दोस्त, पूरा कहने का मतलब यह है कि एक बात आप अपने दिमाग में घुसा लो, एक बात आप अपने दिमाग में घुसा लो, दुनिया का कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आज मेरा गेट नहीं निकला तो मैं भूखा मर जाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कम या ज्यादा सबका लाइफ में होता है और सबकी लाइफ चलती है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। बस क्या करना है, आपको मेहनत करना है पूरे शिद्दत से, अपने आप को तब तक जलाना है जब तक आपके अंदर से एक चमक बाहर ना आए। आपने सुना है ना, अगर सूरज रोशनी देती है तो अपने आप को जलाने के बाद, तो आप अपने आप को, आपको तपना पड़ेगा, 8 महीने आपको अपने लाइफ में देना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में देना पड़ेगा, उसी हथौड़े वाले आदमी की तरह, कि कब और कहां हथौड़ा मारना है। ये आपको प्लान, एक स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ेगा। आप कभी भी किसी भी जगह में जाओगे, लाइफ में कोई भी काम करोगे, बिना प्लानिंग का, बिना स्ट्रैटेजी का, आपको हर एक वीक का प्लान करना पड़ेगा, हर एक मंथ का प्लान करना पड़ेगा, हर एक दिन का प्लान करना पड़ेगा। और ये लाइफ में सिर्फ आपको 8 महीने करने पड़ेंगे। कितने महीने भाई? 8 महीने। और ये 8 मंथ आपके लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। व्हाट एवर योर बैकग्राउंड इज, व्हाट एवर योर कॉलेज इज, इट हार्डली मैटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? ऑल ऑफ यू, ये मैटर नहीं करता। आपका कॉलेज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप हिंदी मीडियम से आए हो, इंग्लिश मीडियम से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक दोस्त था तोमर भाई, वो अभी रिसेंटली NIC में शिफ्ट हुआ है। NIC में सॉफ्टवेयर कंपनी में काफी टाइम तक काम किया, 20-22 लाख का पैकेज था, और शायद वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता तो आज के रेट में बेटर पोजिशन में होता। उस बंदे को इंग्लिश नहीं आता था, और वो हरियाणा का है, हरियाणा का रहने वाला है, तो हरियाणवी लैंग्वेज में हमेशा बात किया करता था कि अजय भाई चलने लाग रहा है, इस तरह की कुछ बात किया करता था। हिंदी में ढंग से बोलने नहीं आता था, लेकिन उस बंदे के अंदर क्वालिटी था, वो था कोडिंग का। क्या चीज का क्वालिटी? कोडिंग का। और उससे भी बड़ा क्वालिटी था कि जब तक उसने जो काम स्टार्ट किया है उसको फिनिश ना कर दे तब तक शायद वो सोता भी नहीं था। और मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि दास, अगर तुम 2 दिन नहीं सोओगे ना, 2 या 3 दिन अगर आप नहीं सोते हो तो मेरे दोस्त आप मरोगे नहीं, लेकिन वो 2 से 3 दिन में जो आप सीखोगे वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। अरे गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? वो 2 से 3 दिन में जो आप सीखोगे उस चीज के बदौलत वो चीज आपके लाइफ में हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ी रहेगी। आप कभी उसको भूलोगे नहीं, चाहे जो हो जाए, हो सकता है थोड़ा धुंधला पड़ जाए लेकिन भूलोगे नहीं। उसके बैकग्राउंड की स्टोरी को, इमेजिनेशंस को जो आपने मेहनत करी है उसको कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो उस बंदे में एक बात थी कि अगर वो कोई काम स्टार्ट करता, बहुत अच्छा कोडर था, है भी, ठीक है ना, वो जो काम स्टार्ट करता था सबसे बेस्ट क्वालिटी था उसको वो खत्म करता था। और यही चीज हमारे अंदर नहीं है, खास करके कि वो सारे स्टूडेंट जो आज के डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो स्टार्ट तो करना जानता है फिनिश नहीं करना जानता है। और सचिन तेंदुलकर में यही खासियत थी, ही इज अ वेल फिनिशर। और यही चीज धोनी में भी है, वो भी एक वेल फिनिशर है। तो आपको लाइफ में समझना पड़ेगा, आपने जो चीज स्टार्ट किया है, ये चीज मैं आपके किसी भी लाइफ मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड चीज के बारे में नहीं बोल रहा हूं। अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया है, सपोज मैंने प्रोसेस शेड्यूलिंग को पढ़ना स्टार्ट किया, मैं खत्म करूंगा। मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं इसको खत्म करूं,
इसके सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करूं, ये जोश ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, तब तक मैं नहीं सोऊं। क्या हो जाएगा अगर मैं रात को 2 बजे सोऊं? ऐसे भी तो इंजीनियर रात को 12 से 2 बजे के बीच में ही सोता है। दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, मैं इसको कभी भी सजेस्ट नहीं करता। बेस्ट टाइम होता है मैक्सिमम 11 PM, ये बेस्ट टाइम होता है। लेकिन बेस्ट टाइम तब होता है जब आप रियल लाइफ में वर्किंग में आते हो। जब रियल लाइफ में आप वर्किंग में आते हो, इन दैट सिचुएशन दिस विल बिकम योर बेस्ट टाइम। लेकिन आपको मेहनत करना समझना पड़ेगा कि मुझे कैसे प्लानिंग करनी है। आपको अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त आज अगर आपने अपना 100% नहीं दिया तो लाइफ टाइम आप रिग्रेट करोगे कि शायद मैं नेक्स्ट टाइम में किसी दूसरे चीज में भी इन्वॉल्व हूं तो वहां पर भी मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। आप ये बात अपने आप से प्रॉमिस नहीं कर सकते कि अगर मैं कोई दूसरा काम स्टार्ट करूं तो वहां पर मैं अपना 100% दूंगा। ये चीज आप अपने आप से कभी भी प्रॉमिस नहीं कर सकते, ऑनेस्टली तो कभी भी प्रॉमिस नहीं कर सकते। इल्यूजन में तो पूरा दुनिया टिका हुआ है। बात समझ में आ रही है सभी को? सो मेरे दोस्त, हमेशा कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनसे आपको समझना पड़ेगा, कि कैसे आपको मेहनत करना है। जो आपने प्लानिंग करी है उसमें आपको टिके रहना है। एक अलग से कॉपी बना लो कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, कैसे करना है, पूरे वीक का प्लान बना लो। इस तरह से मुझे मेहनत करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। आपको कोई भी आपको लाइफ में बेहतर करने से नहीं रोक सकता। Once the things will come in your habit, you will be the winner of your life. आप अपने लाइफ के एक अच्छे विनर रहोगे अगर आप किसी भी चीज को अपने हैबिट में लाते हैं, at least for the 8 months. If you are aspirants for the GATE, for the ISRO, for any competitive exam. Got it, everyone? आप लोगों से रिस्पॉन्स सुनना चाहूंगा। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी लोग, किसी भी तरह का क्वेरी हो, ओके, इंग्लिश प्रॉब्लम हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आई थिंक हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा है, सभी को समझ में आना चाहिए। देखिए, कितना घंटे काम करना चाहिए ये कोई डिसाइडेड नहीं होता है। होता क्या है कि सपोज आज आपने ये डिसाइड कर लिया, कभी आपका 2 दिन के लिए तबियत खराब हो गया या कभी फैमिली मेंबर में किसी को कुछ हो गया, तो वहां पर ये सब कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। दैट विल बी ए बेस्ट ऑफ योर चॉइस। एक स्टूडेंट्स के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए आपको डेली कम से कम 3 से 4 घंटा देना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल अदर थिंग्स। आपको देना पड़ेगा वीकली 5 डेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 7 डेज, वीकली 5 डेज, 4-4 घंटा कर करके 20 आवर्स आपको देना पड़ेगा अगर आप रियली कुछ बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं। भाई, गेट कंप्यूटर साइंस के अलावा बहुत सारे एग्जाम हैं आपके, अभी जो रिसेंट आने वाले हैं, इसरो है, बार्क है, TIFR है, DRDO है, ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसीज हैं। अभी मैंने ग्रुप में शेयर किया था, उत्तराखंड में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बहुत सारे वैकेंसीज आए हुए हैं, जिसमें से कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी वैकेंसी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स या मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी UPPCL में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आज रात को मैं आपको अपने एक स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं, रात को 10 बजे। प्रतीक जो मेरा स्टूडेंट है, इलाहाबाद का ही था, मेरे गाइडेंस में था, उसका लाइफ काफी इंस्पिरेशनल है। वो अभी वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब करता है, सिलीगुड़ी में था, रिसेंटली वो कोलकाता शिफ्ट हुआ है। तो उसका एक मोटिवेशनल सेशन रहेगा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, कैसे पहली अटेम्प्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, फिर वो TCS ज्वाइन किया, फिर TCS में ड्रॉप लिया, और ड्रॉप लेने के बाद, मेहनत करने के बाद वो वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहुंचा। तो ऑप्शंस आपके पास तमाम हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखते रहना पड़ेगा। लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आप घर बैठे बैठे आपको कोई दोस्त आपको बता दे कि भाई यहां ओपनिंग आया हुआ है, यहां ओपनिंग आया हुआ है। अरे sarkari.com में जाकर के देख लो ना, कहां कहां क्या क्या कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। आपको यह खुद सर्च करना पड़ेगा, किसी के भरोसे मत रहिए। बट स्टिल कोई भी ओपनिंग आती है, कहीं पर भी आती है,
इफ इट इज रिलेटेड विद द कंप्यूटर साइंस आई विल ड्रॉप द मैसेज इन द ग्रुप ऑफ गेट अकेडमी सीएसआईटी. सो स्टे कनेक्टेड इन दैट ग्रुप. उस ग्रुप में कनेक्टेड रहिए. जितनी भी तरह के वैकेंसीज होगी वहां मैं डालूंगा. एक मेरी दूसरे स्टूडेंट्स हैं सर्जना शुक्ला, वो भी अलाहाबाद की मेरी स्टूडेंट्स हैं और वो आज के डेट में इसरो में है. मेरे दोस्त वो आज के डेट में इसरो में है. और इसरो में ऐसा नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में जब उसने गेट दी तो उसका गेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा. तो उसने क्या किया कि गेट में चूंकि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो वो टीसीए ज्वाइन कर ली, जिसमें मतलब ऑन कैंपस उसका प्लेसमेंट हुआ था. तो टीसीएस ज्वाइन करने के बाद वो टीसीएस में थी लेकिन उसका मन नहीं लगता था. उसको लगता था कि लाइफ में कुछ अभी भी मिसिंग है, लाइफ में अभी भी कुछ मिसिंग है. और वो कंसिस्टेंटली गेट का प्रिपरेशन में लगी हुई रही और कभी भी कोई भी असिस्टेंट की जरूरत पड़ता तो वो मुझे जरूर एक बार इंटीमेट करती कि सर कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आपने बहुत सारा चीज पढ़ाया लेकिन इसके अलावा और क्या गाइडलाइन चाहिए. तो मैं टाइम टू टाइम इसको गाइडलाइन देता रहा. एंड माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर 2 ईयर्स बीटेक कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 2 ईयर्स सी वॉज सेलेक्टेड इन टू अ इसरो. नॉट 2 ईयर्स, आई थिंक इट्स अ 3 to 4 ईयर्स. 3 से 4 साल के बाद उसने बीच में पूरा का पूरा टीसीएस ड्रॉप ही कर दिया था, ज्वाइन भी नहीं किया. अब वो लगी रही और इसरो तक पहुंची. तो मैंने आपको बोला ना, सक्सेस का कोई टाइम और डेट नहीं होता है लाइफ में. अगर आपको सक्सेस मिलना है उसका टाइम एंड डेट नहीं होता. बस एक ही चीज होता है, मेहनत, मेहनत और मेहनत. आपके मेहनत, आपके पेशेंस आपके लाइफ को चेंज करेगा, नथिंग एल्स. आपको बस मेहनत करना आना चाहिए. माय डियर फ्रेंड्स, एनी अदर क्वेरी इफ यू हैव यू कैन आस्क. देखिए अगर आप गेट क्वालिफाइड है, अगर आप गेट क्वालिफाइड है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ये भी क्वेरी आ रहे हैं कि सर मेरा गेट में 450 स्कोर है या 500 स्कोर है या 400 के अराउंड स्कोर है, तो क्या मुझे एमटेक में जाना चाहिए या दूसरी बार अटेम्प्ट लेना चाहिए. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं ना, इसमें मैं सजेस्ट करता हूं कि 40% आप पे डिपेंड करता है, 40% आप पे डिपेंड करता है. 70% अगर कोई मेरे सजेशन के बारे में पूछे तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके थोड़ा पेरेंट्स के ऊपर से डिपेंडेंसी को आपको हटाना पड़ेगा. अगर आपका 450 गेट स्कोर है या 400 है तो आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई करिए. इफ यू आर इन अ जनरल कैटेगरी, थापर यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे अभी नए ऐसे एनआईटीज हैं जहां पर 450 के स्कोर पे आपको ले लिया जाएगा. उन सारे जगह आपको स्टाइफंड मिलेगा. जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो सकते हैं, एचबीटीआई है, डब्ल्यूबीयूटी है, आप वेस्ट बंगाल का जो यूनिवर्सिटी है डब्ल्यूबीयूटी, वहां पर जितने भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर ट्राई कर सकते हैं. जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं वो लखनऊ के आईईटी में या एचबीटीआई में ट्राई कर सकते हैं. या इसी तरह से उत्तराखंड में भी, ठीक है ना, उत्तराखंड में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, वहां पर आप ट्राई कर सकते हो. बीआईटी सिंदरी है जो झारखंड के है, वो वहां ट्राई कर सकते हैं. तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बेहतरीन कॉलेज में से माना जाता है. और उसमें आप जा करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज योर फाइनल डेस्टिनेशन, बट दिस इज योर इनिशियलाइजेशन. दिस इज योर, जैसे आप प्रोग्रामिंग में वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं ना, उसके बाद उस वेरिएबल के साथ खेलते हैं, उसी तरह से आपको एक बार एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप गेट स्कोर के थ्रू, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो या किसी भी तरह का कॉलेजेस हो, अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली आपको स्टाइफंड मिलेगा, 100% मिलेगा. और वहां पर रहने के बाद वो 1 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है ना, 1 ईयर का, आपको 2 साल नहीं सोचना है. 2 साल वो स्टूडेंट सोचते हैं जिनको वहां से एमटेक करनी होती है, जिनको वहां से एमटेक करनी होती है. आपको बस ये सोचना है कि भाई मेरे पास बस 1 साल है और इस 1 साल में या तो मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाऊं, या तो मैं बार्क में सेलेक्ट हो जाऊं, या तो मैं इसरो में सेलेक्ट हो जाऊं, या तो मैं दोबारा गेट में फोड़ दूं. और स्टाइफंड इतना मोर देन सफिशियंट होता है कि आप उससे अपना फीस पे कर सकते हो, उससे आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, अपने हॉस्टल की फीस को दे सकते हो, एवरीथिंग. आपको पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. आप अपने ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस को उसी स्टाइफंड से मैनेज कर सकते हो. तो इसके लिए आपको कहीं पर भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा.
तो 70% मेरा एडवाइस ये होता है कि मस्ट गो फॉर द एमटेक, नॉट फॉर कंप्लीटिंग द एमटेक, जस्ट थिंक दैट यू हैव अ वन मोर ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब लाइफ में एक बार आप कहीं चले जाते हो ना, तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा तो सेट हो गए, थोड़ा सा फिट बैठ गए, 100% फिट नहीं है लेकिन 30-40% फिट हो गए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कूल माइंड कूल है। एंड जब आपका माइंड कूल होता है, पीस होता है, तो लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने के जज्बे होते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दे सकता हूं, जो एमटेक करने के लिए गए और एमटेक कंप्लीट भी नहीं हुआ और अच्छे अच्छे जगह सेटल डाउन हो गए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जांपल है, आप अपने नोन सर्कल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जांपल मिलेगा जो एमटेक कंप्लीट किए बिना ही बीच में ड्रॉप कर करके अपने अपने गवर्नमेंट जॉब में सेटल डाउन हो गए, या दोबारा गेट दे करके वहां से ड्रॉप कर करके किसी आईआईटीज में चले गए। एनी अदर क्वेरी इफ यू हैव यू कैन आस्क ऑल ऑफ यू। नेम इज इम्परफेक्शन, आपका रियल नाम तो नहीं आ रहा है, इम्परफेक्शन। देखिए ये सब अपने फीलिंग्स की बात होती है। मेरा एक जूनियर था, ठीक है ना, मैं आपको नाम बता दूं, ठीक है ना, मेरा एक जूनियर था कोलकाता में, मैं कोलकाता से बीटेक हूं, मेरा एक जूनियर था, वो क्या हुआ कि उसने पहली बार उसका गेट बहुत अच्छे से निकला नहीं, दूसरा अटेम्प्ट में भी नहीं निकला, और वो कोलकाता में ही टीसीएस में जॉब कर रहा था, लेकिन उसके अंदर में एक फीलिंग थी कि मुझे गेट निकालना है, चाहे ये चौथा अटेम्प्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि एक तरफ तो उसकी लाइफ सेट है ना टीसीएस में, एक तरफ उसकी लाइफ सेट है, उसको 40,000 हो 50,000 हो उसके पास सैलरी आ रहे, तो उसके लाइफ एक जगह सेट थे। तो उसने डिसीजन लिया, देखिए लाइफ में अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो अपनी सोच को पहले बदलिए, क्योंकि जब तक आप एक थॉट नहीं बनाओगे ना, उस थॉट पे अचीव नहीं कर पाओगे, उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको सोच बनाना होगा। उस बंदे ने अपनी सोच बना ली, उस बंदे ने अपनी सोच बना ली कि चाहे जो हो जाए, चाहे ये मेरा पांचवा अटेम्प्ट क्यों ना हो, मुझे गेट निकालना है तो निकालना है। और दूसरे साल में टीसीएस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद दूसरे साल में जाकर के उसने गेट में 159 रैंक लाया और उसको आईआईटी मद्रास मिला, 159 रैंक, गॉट द आईआईटी मद्रास। जॉब को उसने क्विट किया, आईआईटी मद्रास ज्वाइन किया, एंड आफ्टर 2 इयर्स ही वॉज सेलेक्टेड इन टू द गूगल। और पैकेज आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई बंदा गूगल में जा रहा है तो मिनिमम पैकेज होते हैं 25 लाख की। तो एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इम्परफेक्शन। इसी बात से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स। ये जॉब शायद आप लाइफ में दोबारा भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जॉब आप चाहो तो लाइफ में दोबारा भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने जॉब करा है, ठीक है ना, लेकिन लाइफ टाइम आपको अपने अंदर गिल्ट या रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने एक बार ट्राई नहीं किया, मैंने सोच तो बनाई थी कुछ करने का लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? तो कभी भी अपने लाइफ में कोई भी सॉरी मत छोड़ो, डोंट से सॉरी टू योरसेल्फ। इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, यू हैव टू बिल्ड द थॉट्स, यू हैव टू बिल्ड योर एनर्जी, यू हैव टू एक्युमुलेट ऑल योर पावर इन साइड यू इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। तो आप अपने आप को सोच बनाओ, रिग्रेट मत बोलो, अपने आप से सॉरी मत बोलो कि मैंने ये नहीं किया, शायद मैं करता तो शायद मेरी आज की डेट में फ्यूचर बेहतर होती। अगर उसी समय, हाँ उसको हम लोग प्यार से मनी बुलाते थे, उसी समय मनी अगर ये डिसीजन नहीं लेता कि मुझे गेट निकालना है, तो शायद वो आज गूगल में नहीं होता, वो टीसीएस में ही या आईबीएम में या एसेंचर में फंसा हुआ रह जाता, अब वही लाख रुपया के अराउंड के पैकेज में फंसे हुए रह जाता। ऐसे मेरे पास वेरियस एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में थे, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, मुझसे पूछते थे कि सर क्या मैं जॉब क्विट कर दूं, मैं कुछ कर लूं? हम बोले कि इट इज अप टू योर डिसीजन, तुम चाहो तो जॉब क्विट कर सकते हो या तुम चाहो तो 2 महीने का छुट्टी ले सकते हो। इफ योर कंपनी इज अलाउइंग यू टू टेक अ टू गिव यू द लीव ऑफ 2 मंथ्स, तो लास्ट के 2 मंथ्स में लीव लेकर के तुम प्रिपेयर अपने आप को कर करके तुम एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि देखिए किसी भी तरह का प्रिपरेशन लेवल हो, लाइफ में मेहनत एक ही बार करना होता है,
लाइफ में मेहनत एक ही बार करना होता है। आज अगर आपने एक बार कहीं पर भी किसी भी माध्यम के थ्रू एक बार अगर आपने चीजों को ग्रैप कर लिया, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया किसी पर्टिकुलर टीचर से, उसके बाद लाइफ टाइम आपको दूसरे कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव ऑल नोट्स। अब उस नोट्स के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप लैक कहां कर रहे हो, और वही नोट्स आगे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, और उसी नोट्स में आपको एड ऑन करना है वो सारी चीजें जो आप चाहते हो कि आपको करना चाहिए। यही तो सर्जना ने भी किया। वो एक बार यहां से पढ़ कर करके गई, कंपनी ज्वाइन की, और जो नोट्स था उसी को पढ़ी, उसके अलावा कुछ कंटेंट को पढ़ी, अब पढ़ते चली गई, वो कभी भी रुकी नहीं, और वो फाइनली इसरो पहुंच गई। यही चीज मनी ने भी किया। वो दोबारा लाइफ में कभी भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। उसके पास जो था उसी पे वो अमल रहा, उसी पे मेहनत किया, उसी पे अपने पॉइंट्स को एड ऑन किया। एनी अदर क्वेरी? ऑल ऑफ यू एनी अदर क्वेरी? अतुल दुबे। तो मेरे दोस्त, अभी भी मैंने आपको ये क्लियर वे में नहीं किया है कि प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा प्लान करना चाहिए, हथौड़ा कहां चलाना चाहिए और कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया है। एक सेशन मैं और भी इस चीज से रिलेटेड लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दूं, आज रात को 10 बजे भाई मुझे 100+ का स्टूडेंट्स का मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि आफ्टर होली या बिफोर होली हो सकता है कि सर्जना जो 4 साल के बाद इसरो ज्वाइन की उसको भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं, और वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। मेरे अंडर गाइडलाइन में थी प्रतीक, जो आज आपको रात को 10 बजे अपना रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला है कि कैसे वो टीसीएस से गेट के बाद टीसीएस के बाद कैसे वो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहुंचा, लाइफ में कितने पॉसिबल अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, उसने जो भी फील किया है वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। प्रतीक जो है उसको मैंने भी पढ़ाया है, विशाल रावतिया सर ने भी पढ़ाया है, तो हम दोनों ने मिलकर करके प्रतीक को पढ़ाया था। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसको मैं लाइव 1x1 लाने वाला हूं। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को अभी कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया हूं। एक मोहित है जो IIT बॉम्बे में है और इंटेल में जॉब ले चुका है, तो मोहित को भी मैं लाइनअप कर रहा हूं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद कहीं पहुंचा है, उन सारे स्टूडेंट्स को मैं लाइव गेट अकेडमी 2.0 CSIT वाले प्लेटफॉर्म में लेकर के आऊंगा। उनके एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलेंगे। अभी तक देखिए, अभी तक आपको सिर्फ सुनने को मिलते थे कि भाई मेरा ये रैंक आ गया, मेरा वो रैंक आ गया, मैं 1 रैंकर हूं, मैं 5 रैंकर हूं, मैं 50 रैंकर हूं। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो लाइफ में कुछ करने की जज्बा रखते हैं, वैसे स्टूडेंट जो एक बार फेल्योर होने के बाद दोबारा अपने आप को संभालने की जज्बा रखते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरे जो भी अपकमिंग सेशंस होंगे आपके लिए बहुत मजेदार होंगे, बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो मेरे दोस्त, इसी बात से विदा भी लेना चाहूंगा, रात को 10 बजे मेजोरिटी में रहिएगा, क्योंकि आपके व्यूज, लाइक, शेयरिंग, यही सारी चीजें इंस्पायर करेगी मुझे और भी उन सारे स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आने के लिए, जिनको मैंने अपने से पढ़ाया है, जिनको मैंने हर टाइम गाइड किया है, एवरी टाइम, हर एक टाइम गाइड किया है, हर एक टाइम सपोर्ट किया है, और वो सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते करते अपने लाइफ में बेटर पोजीशन में, उन सभी को लेकर के आऊंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होना चाहिए। मैक्सिमम लाइक, व्यूज एंड शेयरिंग शुड बी कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम योर साइड। सो जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, मेहनत करिए, लाइफ में आगे बढ़िए।